हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी चेयरमैन रॉकी मित्तल सरस्वती विद्या भारती स्कूल पबनावा कैथल में पहुंचे, जहां पर चार निजी स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस माफ करने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले के बाद रॉकी मित्तल ने उन पर पुष्प वर्षा करके उन्हें सम्मानित किया। हरियाणा सरकार की तरफ से रॉकी मित्तल ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अगर निजी स्कूल संचालक आगे आएंगे तो कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट से परेशान परिजनों के लिए बड़ी राहत का काम होगा। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में शिष्य गुरुकुलों में पढ़ते थे तो गुरुजी शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज कई लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना लिया है, वो गुरुजी को टीचर बना दिया। कभी भी टीचर के आगे जी नहीं लगता, केवल गुरु शब्द के साथ ही जी लगता है, क्योंकि गुरुजी को सम्मान देना हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है। वहीं रॉकी मित्तल ने अन्य स्कूलों से अपील करते हुए कहा है कि इन चार निजी स्कूलों के संचालकों से सीख लेते हुए दूसरे स्कूल संचालक भी आगे आए और सरकार का सहयोग करे, लोगों का सहयोग करे, क्योंकि यह वैश्विक महामारी किसी एक पार्टी की नहीं है, सरकार की खुद की नहीं है, इसलिए आप आम जनता को, बच्चों के पेरेंट्स को राहत देने का कार्य करें। एक सवाल के जवाब में रॉकी मित्तल ने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जब कैथल के अंदर लॉकडाउन व धारा 144 का उल्लंघन किया था तो उस समय वे मौके पर मौजूद थे, जिसके कारण वे FIR दर्ज करवाने गए थे। अगर कैथल विधायक लीला राम ने कहीं धारा 144 का उल्लंघन किया है या सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने का काम किया है तो उस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मीडिया के माध्यम से आह्वान करते हैं कि सभी लोग लॉकडाउन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर अपने अपने घरों में रहकर देश के प्रधानमंत्री मोदी के बताए संदेश का सार्थक करने का काम करें। मित्तल ने विश्व पृथ्वी दिवस पर स्कूल प्रांगण में पौधारोपण भी किया। स्कूल स्टाफ सदस्यों ने मुख्य अतिथि रॉकी मित्तल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बलिंदर बोतला, धर्मवीर सागवाल, कमल आर्य, निशान ढुल, रामचंद्र टामक, संजय पबनावा, कुलदीप बोतला, ईश्वर मराठा, बलिंदर टामक, संदीप सागवाल, विजेंद्र सागवाल, अरविंद सागवाल, संदीप महला, पवन पिलानी के समेत कई लोग मौजूद थे। आपको मैं पूरे मीडिया कर्मियों की तरफ से बधाई दूंगा कि आप लॉकडाउन के दौरान जो गुरुजन इस मुहिम में आगे आए हैं, फीस माफी की मुहिम में, आप उन पर पुष्प जो वर्षा है उस करने के लिए आए हैं। किस प्रकार आपके मन में ये बात आई और क्या उद्देश्य है इस बात को आगे लाने का? देखो मेरी बात सुनो, ये अच्छे काम की एक शुरुआत की है, और जब भी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो पहले देवता लोग भी पुष्प वर्षा आसमान से करते थे, और हम भी भगवान के भगत हैं, और मैं तो CM मनोहर लाल जी का दूत हूँ। एक इन जितने भी स्कूल के संचालक हैं, देखो आप देख सकते हो गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सरस्वती विद्या भारती हाई स्कूल है, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इन एक स्कूल एक और स्कूल अभी लेटर पैड एक लेटर पैड हो रहा है, चार स्कूलों के मालिकों ने एक बहुत अच्छा सोच का परिचय दिया कि इस दुख की घड़ी में जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, आज लोगों को आपको पता है गरीबों को राशन तक बांट रही है सरकार, उसके बावजूद आपको पता है कि फीस की बड़ी प्रॉब्लम है, और गुरुजी वही है जो दुख की घड़ी के अंदर भी अपने शिष्य का हाथ पकड़ कर चले, उनके माता पिता के उनके जितने दर्द है उनको निवारण करे, उसी को गुरु कहते हैं। उन्होंने वो दर्जन दिया है, पहले गुरुकुल होते थे वही परिचय दिए है इन स्कूल के संचालकों ने, और मैं बड़ा खुश हूँ, इनको कहता हूँ मैं इनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, और जी चाहता है कि ऐसे काश हर हरियाणा का प्राइवेट स्कूल ऐसे हो तो जितने भी पेरेंट्स आज फीस को लेकर चिंतित हैं वो सारी चिंताएं मिट जाएं। एक हल्का विधायक अपने हल्कों को नहीं संभाल पा रहे और आप पब्लिसिटी चेयरमैन हो हरियाणा के, पूरे हरियाणा को संभालना कितनी बड़ी मुसीबत है भाई। ये तो अपनी अपनी एक सोच होती है, काम करने की कला होती है, मेरे अंदर तो परमात्मा ने बहुत शक्ति दी है, मेरी तो हरियाणा की जिम्मेवारी है, हरियाणा की जिम्मेवारी निभाया हूँ। जब मोदी जी कभी मुझे देश की जिम्मेवारी देंगे मैं पूरे देश में भी जाऊँगा, आदमी का लगन होनी चाहिए। हमारी धरती माता है ये हरियाणा, हमारी जन्मभूमि है, और इसका हक हम सारी जिंदगी पैदा नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपने पुलिस कर्मियों को, मीडिया कर्मियों को भी पुष्प जो वर्षा की थी। देखो इस टाइम सबसे ज़्यादा चार संस्थाएं काम कर रही थी, एक पुलिस, डॉक्टर, मीडिया वाले भाई, सफाई कर्मचारी, और पांचवें ही आए हैं जिनको हम गुरु जी का दर्जा मानते हैं,
और गुरुजी इसलिए उनको गुरुजी नहीं कहा जा सकता जो सिर्फ बिजनेस करते हैं, दुख की घड़ी हो चाहे कुछ भी हो, उस टाइम भी उनको सिर्फ फीस की लगी रहती है कि फीस चाहिए, किताबें बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ सोचना चाहिए, आज देश विपता के अंदर है, बड़ी दिक्कत वाली है। इनसे सीखें, इन चार स्कूल के संचालकों से सीखें कि दुख की घड़ी में कैसे काम आया जाता है। इन्होंने सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दी, अपने शिष्य की भी और उनके माता पिता की भी। इनसे सीखे पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल वाले कि भाई क्या होती है दुख की घड़ी में कैसे साथ दिया जाता है। इनको कहते हैं असली गुरुकुल, असली गुरुजी। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, आप तुरंत FIR करने पहुंच गए, आपके विधायक की भी तो फोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं। देखो मैंने जब विधायक ने उसने रणदीप सुरजेवाले ने कोई गलती की थी मेरी कोठी के सामने की थी। यदि किसी MLA ने कोई गलती की है तो मैंने तो नहीं देखा, यदि किसी ने देखा तो वो एक्शन ले, सबका हक है अपने अपना करने का। लेकिन एक बात बताता हूँ, डिस्टेंस करना और उसमें रहना अति आवश्यक है, ये अपने लिए दूसरों के लिए। यदि थोड़ी सी भी गलती किसी से हो गई तो समझ लो पूरा परिवार चपेटे में आ गया। आप अपने बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, प्रदेश और देश के बारे में सोचो, आज दुनिया किस दौर से गुजरी है उसके बारे में सोचो। और ये गाँव, मैं गाँव में आया हूँ, मेरे लिए गाँव शहर कस्बा कोई मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि अच्छे लोग कहाँ पे हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोग कहाँ हैं। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, जैसे चाइना ने मान लो ये फला दिया, वो अधर्म की काम किया। और ऐसे लोग जो स्कूलों के संचालक हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, मीडिया कर्मी भाई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोरोना तभी ख़त्म होगा जब धर्म की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा आगे आएंगे। आपका एक गीत आया है, बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद जो इस दुख की घड़ी के अंदर एक फरिश्ता बनकर आए हैं, खासकर उन स्कूलों के लिए। मैं तो कहता हूँ वो धन्य है शिष्य जो इनसे पढ़ते हैं, और धन्य उनके शिष्य के माता पिता जिनको ऐसे स्कूल मिले। आपका एक गीत आया है, किसको आधारित है, क्या संदेश है उसका? वो मोदी जी का गीत आया है, चाइना ने फैलाई कोरोना बीमारी, कोरोना से दुनिया सारी थी हारी, तभी मोदी ने कोरोना पे ऐसी एंट्री मारी। कोरोना की जंग में मोदी जी उतरे खड़े और मोदी को सल्यूट करते दुनिया के नेता बड़े बड़े। ये मेरा गाना आया और आजकल सारे चैनलों पर और हर जगह छाया हुआ है। मैं तो मोदी भक्त के नाम से जाना जाता हूँ, चेयरमैन तो बाद में हूँ मैं। जैसे इन स्कूलों ने फीस माफ़ी के लिए आगे आए हैं, कोई आपके पास शिकायत भी आई किसी स्कूल की? नहीं, स्कूल की शिकायत आई थी और मेरी अखबार में परसों ही छपा था, तो कल मेरे भाइयों को इनका कॉल आया चारों संचालकों का कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम माफ़ करते हैं। और मैं बहुत खुश हुआ, और सच में मैंने सारी मीडिया से बात करी, DC साहब से बात करी कि ऐसे स्कूल भी आगे आए हैं। मैं इतना खुश था कि रात भर में सोचता रहा मैं कि कमाल है, ऐसे भी लोग हैं आज के कलयुग में। लोग तो कहते हैं कि आज बिजनेस बन गई स्टडी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और इनसे सीख लेते हुए बाकी स्कूल प्रबंधकों को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो फीस माफ़ी की घोषणा करें, ताकि उनको राहत मिले, उन बच्चों को, उनके बच्चे को, पेरेंट्स को एक राहत मिले कि कम से कम जब वो स्कूल का कोई बिजनेस नहीं खुला, कुछ भी खुला नहीं है, वो कम से कम स्कूल की फीस तो नहीं देनी पड़ेगी, कम से कम ऐसा होना चाहिए। कोई केस आया है सामने कि कोई किताबें बेच रहा हो या? एक दो केस आए थे और मैंने शिकायत एजुकेशन मिनिस्टर को दे दी थी और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को दे दी थी और DC साहब को दे दी थी। उसके बारे में जब खबर छपी तो इन स्कूल संचालकों का बहुत भारी, मैं कहता हूँ कि एक योगदान है हरियाणा सरकार का, सरकार में जो मुख्यमंत्री जी की नीतियों को इन्होंने सराहा और उनका वो किया, समर्थन किया, और उसी का नतीजा कि आज चार इन्होंने तो लेटर पैड पे लिख के दिया है, तो सबसे बड़ी बात है। और 3 महीने की फीस इन्होंने माफ़ की है, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इनका ये लेटर हरियाणा सरकार CM साहब को भी दूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर को भी दूंगा, DC साहब को भी दूंगा। थैंक यू सर। मैं यही संदेश देना चाहूँगा, इस दुख की घड़ी में जब कोरोना महामारी से सारी दुनिया जूझ रही है, देश भी जूझ रहा है, हरियाणा भी जूझ रहा है, ऐसे में अभिभावकों के पास पैसा नहीं होता, उनके सारा काम चौपट आज की दुनिया उसमें लॉकडाउन के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो कम से कम एक अपने दिल का बड़ा परिचय दें और कम से कम सारे जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट उन्होंने फीस माफ़ कर देनी चाहिए। ठीक, देश की संतान है, जो लिया इस देश से लिया, जो देंगे इस देश को देंगे। और हमारा जो हरियाणा क्षेत्र है, ये क्षेत्र ग्रामीणों का है, किसानों का है, मज़दूरों का है, इन्हीं बच्चे हमारे संस्थाओं पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अपील की सरकार ने, धून साहब हैं IG साहब, उन्होंने अपील की और भाई साहब की हमसे बात हुई, तो हमारे अंदर कोई पीड़ा थी भी अभी लॉकडाउन है, ये लंबा चलेगा,
और लोग सक्षम ज़्यादा नहीं है फीस देने के लिए, तो हमारे हमने अपने दिल की आवाज़ सुनी और भाई साहब से संपर्क किया, तो आज हम सामने खड़े हैं। तो ये इनका भी आशीर्वाद है कि इन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई, और जब भी इस देश संकट आएगा हम साथ खड़े हैं, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, देशभक्त हैं, हम कोई स्वार्थ नहीं है। हम मेरे भाइयों से, स्कूल वालों से मेरी अपील हाथ जोड़ के है, तय दिल से है, कृपया अपने निजी स्वार्थ छोड़ के आगे आइए और इस संकट घड़ी में अपने देश का साथ दीजिए। धन्यवाद। इसमें सर्वप्रथम हमारे जो गीता निकेतन पब्लिक स्कूल कोल जी, और सरस्वती विद्या भारती स्कूल पबनावा, और आर्य विद्यापीठ पबनावा, और एक स्कूल अभी मैसेज आया था उनका, गीता निकेतन पिलनी। चार स्कूलों ने, दो दिन पहले डीसी साहब ने और राजी साहब ने एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में उन्होंने निवेदन किया था, हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी सभी प्राइवेट स्कूलों से कि भी आप पेरेंट्स को कुछ राहत दो, और इस कोरोना जैसी महामारी में अगर आप निकल के सामने आएंगे तो आप समाज में, आपके एक शिक्षक की भूमिका है, जिससे क्या है कि लोग प्रभावित होंगे और वो देश की सेवा करने के लिए आगे निकल के आएंगे। तो वहाँ पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने, धर्मवीर भाई ने और कमल जी जिन्हें, हमने बैठ के फिर निर्णय लिया क्यों ना हम निकल के आगे आए और सभी को एक संदेश दे कि देश इस टाइम संकट की घड़ी में है और हमें देश का साथ देना चाहिए, पेरेंट्स का साथ देना चाहिए। और दो परसों मीटिंग भी हुई थी हमारे कुछ प्राइवेट स्कूलों की, तो यही मुद्दा निकल के आया था कि भी टीचर्स को सैलरी कैसे देंगे, तो धर्मवीर जी ने उनको सुजेशन दिया था कि भी आप, आपके पास जो आपकी प्लस मनी है, जो गवर्नमेंट के पास आपकी प्लस मनी है, और वो गवर्नमेंट के पास नहीं होती, वो हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में होती है, तो हम गवर्नमेंट से, हमारे जो मित्तल साहब हैं इनके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि आप हरियाणा सरकार को बोल करके सभी प्राइवेट स्कूलों की जो प्लस मनी है उसको आप फ्री करवा दो, स्कूल को रिफंड करवा दो, ताकि हम अपने स्टाफ की सैलरी 3 महीने बड़े आराम से दे सके। सर इसको ट्रांसपोर्ट का तो औचित्य बनता ही नहीं है, जब बसें चल नहीं रही है तो ट्रांसपोर्ट तो हम मांग नहीं सकते। ये तो हमने एक पेरेंट्स को एक 3 महीने की जो फीस छोड़ करके, माफ़ करके हमने पेरेंट्स को एक सहारा दिया ताकि उनका मनोबल बना रहे, क्योंकि हमारे पास जितने भी पेरेंट्स हैं वो लगभग किसान हैं, मजदूर हैं या छोटे छोटे दुकानदार हैं। अगर आज इस संकट की घड़ी में उनकी जो फसलें हैं वो खेतों में पड़ी है, तो मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो थोड़ा फसलों के बारे में भी, किसान की फसल को शीघ्र अतिशीघ्र खरीदने की कोशिश करें, और मित्र साहब के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वो फसलों का भी जो परचेज है वो शीघ्र अतिशीघ्र करवाए, ताकि किसानों के पास पैसा आए और वो हमारी जो बची 9 महीने की फीस है वो हमें शीघ्र देने का प्रयास करेंगे। मेरा सभी स्कूल संचालकों से देखो एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि भी आप सभी ने 20 साल से 30 साल से आप पेरेंट्स से, देखो आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपके कारोबार चल रहे हैं, आपने बड़े बड़े स्कूल खड़े कर लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में आप 3 महीने के नहीं कोई कर सकता, समर्थ नहीं है तो 2 महीने की कर दो, अगर बिल्कुल भी कोई समर्थ नहीं है तो 1 महीने ही कर दो। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी साथी आगे निकल कर के आओ, ये देश की सेवा करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाए। सर आगे तो मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, अमेरिका में 1 साल तक स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया के अंदर भी जो स्कूल है वो लगभग 4-5 महीने नहीं लग रहा कि वो खुल पाएंगे। तो अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हमने तो देखो अपनी तरफ से प्रयास कर दिया कि हम 3 महीने की जो फीस है पेरेंट्स की हमने माफ़ कर दी, और हम निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से या जूम ऐप से, हम बच्चों का जो काम है वो उनको, पेरेंट्स को भेज रहे हैं, और फ़ोन करके उनसे फिर वो भी पूछ रहे हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि देखो अगर बच्चों को आज के टाइम में अगर खाली छोड़ेंगे तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई से हट जाएंगे और उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर जो कुछ अन्य चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको इन्वॉल्व रखने के लिए जी। और मैं सभी अपने स्कूल संचालकों से निवेदन करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीब किसान मजदूर जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनकी सहायता के लिए आगे आए, और अपने स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने विद्यार्थियों की, उनके माँ बाप की, और अपने
यही हमारा सबका। मैं रामचंद्र टामक गांव पबनावा से बिलोंग करता हूं और मैं एक समाज सेवी का भी कार्य करता हूं और एक किसान का बेटा हूं। जैसा कि इन स्कूलों ने ये कदम उठाया है, इसके प्रति मैं बहुत ही इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आज की स्थिति में देश बहुत संकट में है और ये गांव के बच्चे गरीबी तबके से हैं, कोई किसान का है, कोई दुकानदार का है, लेकिन अगर इनके ऊपर ये बोझ उठाने का, इनके पास कोई काम तो रहे नहीं, अगर ये बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने भी मास्टर जी से विनती की थी कि मास्टर जी इसकी ओर ध्यान दें और ये कम से कम 3 महीने की फीस जरूर से ज़रूर इनकी माफ़ कीजिए। धन्यवाद। कुलदीप सिंह गांव पबनावा से, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं इन चारों स्कूल वालों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो ये सराहनीय कदम उठाया है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ये सराहनीय कार्य इन चारों स्कूल वालों ने किया है, इसमें सारे स्कूल वालों को बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.